llevan. Lucas Injil, 10 अध्याय और 45 वचन। परंतु एक बात अवश्य है, पुरुषोत्तम भाव से मरियम ने संदिया। हालेलुया। हम लोग विस्तार से पहले सीख चुके हैं इस पर, फिर दोबारा थोड़ा विचार करेंगे खुदा और क्या क्या बताना चाहता है। दोबारा पढ़ेंगे जी। परंतु एक बात आवश्यक है, इस पर हम लोग रुके थे कि एक बात आवश्यक है, एक बात जरूरी, एक बात महत्वपूर्ण, और वो बात ये है कि मरियम ने उत्तम हिस्सा चुन लिया। हालेलुया। इस पर हमने बहुत विस्तार से गौर किया था कि हिस्सा चुनते वक्त हमें ध्यान रखना है, और बाइबल में ऐसे हमारे सामने बहुत सारे रेफरेंस हैं कि जब चुनाव की बारी आई तो लोगों ने गलत चीज़ को चुन लिया और फिर आगे चलकर उसका जो अंजाम था वो बहुत बुरा हुआ। तो चुनाव करते वक्त हमेशा हमें पात्रों की अगुवाई में ही चुनाव करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शरीर की इच्छा रूह के हमेशा विरोध में है, और शरीर की इच्छा नहीं चाहती कि हम रूह के द्वारा चलें। सो जब भी रूहानी लोगों ने कोई फैसला करना है तो रूह के द्वारा ही करना है। हालेलुया। जैसे लिखा है, यदि आत्मा द्वारा जीवित हो, यदि रूह द्वारा जीते हो, तो रूह द्वारा चलो भी। सो आज दुनिया जीते तो बहुत है लेकिन चलते बहुत कम हैं। सो उसमें खास बात यह है कि लोगों को उसमें रूहानी ज़िंदगी का पता ही नहीं है कि रूहानी ज़िंदगी होती क्या है। वो जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर में ही जिए जा रहे हैं, इसी वजह से बेचारों को पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। लेकिन मरियम को सराहा गया, मरियम को इज्जत दी गई, और यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया, उत्तम हिस्सा, जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। सो वो हिस्सा था कि वो बड़ी ही अधीनगी के साथ प्रभु यीशु मसीह से खुदा के वचन को सुन रही। हालेलुया। तो आज आप हम लोग भी अभी सुन रहे हैं, यदि मरियम की तरह सुनेंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए भी अनाउंसमेंट होगी, इन्होंने उत्तम हिस्सा चुन लिया। हालेलुया। सो उजाड़ू पुत्र के ऊपर हम लोग बहुत बार गौर कर चुके हैं कि उसके पास जब ऑप्शन आया तो उसने गलत हिस्सा चुना। पढ़ लेंगे एक वर्ष ताकि पता चल सके, 15:11 पढ़ेंगे, लूका के अंजील 15 अध्याय उसकी 11 और 12 वर्ष सिर्फ। जल्दी जल्दी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। बस यही रुकेंगे। आज दुनिया में हम लोग देखते हैं ये बात जो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, असल में बाप बेटे की है, लेकिन रूहानी बात यह है कि परमेश्वर और हमारी बात। हालेलुया। सो आज दुनिया जितनी भी है वो किसी मजहब से किसी जाति से ताल्लुक रखती हो, लेकिन एक बात पक्की है, वो परमेश्वर के पास कुछ पाने की आशा से ही आते हैं, परमेश्वर से जिंदगी भर चीजें ही मांगते हैं। हमारी ये जरूरत पूरी कर दे, हमारी ये जरूरत पूरी कर दे, जरूरतें कभी जिंदगी की खत्म होती भी नहीं, और जरूरतें पूरी करने के लिए ही उसे मांगते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते, ऐ परमेश्वर मुझे तेरी चीजें नहीं तू चाहिए। हालेलुया। चुनाव क्या करना है, परमेश्वर मुझे तू चाहिए, तेरी चीजें नहीं चाहिए। और जो कहता है कि मुझे तू चाहिए, तेरी चीजें नहीं चाहिए, उसके बारे में लिखा है कि पहले तू उसके राज और धर्म की खोज कर, फिर ये चीजें तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें मिलेंगी। खुदा ये वायदा पहले से कर चुका है कि जो उसके धर्म और राज की खोज करते हैं उन्हें दुनिया की जरूरत की चीजें खुदावंद खुद ब खुद देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सामने एग्जाम्पल है, पास्टर कैप्टन सैमुअल साहब जिंदगी सारी ऐसे ही गुजार गए, जवानी में खुदावंद खुदा ने चुना, कोई इस जमीन पर उन्होंने एक इंच भी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कभी उन्होंने एक रुपया भी अपनी जेब में फालतू नहीं रखा, जहाँ जाना होता था सिर्फ किराया ही जेब में होता था। तो इतनी सेवकाई को फैला गए, हजारों सेवक हैं उनके द्वारा सीखे हुए, आज दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, उस बंदे ने इस जमीन पर कुछ भी नहीं बनाया, और वो बंदा इस जिंदगी में ऐसा निशान छोड़कर गया, क्योंकि पुरानी बातों को तो लोग विश्वास नहीं करते कि पता नहीं हुआ होगा कि नहीं, लेकिन ये इंसान हमारी आंखों के सामने रहा, हमने उसको देखा, उसे सुना, उसे
जाना और हमने देखा कि उस बंदे ने कितनी गैरत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा। लोग पैसे लेकर उनके पीछे पीछे चलते थे कि ले लो, और वो ठुकराते जाते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात को समझ लिया, मुझे प्रभु ने बुलाया है वो उत्तम हिस्सा देने के लिए। हालेलुया। इसलिए ये दुनिया के हिस्से मेरे किसी काम के नहीं, मुझे तो उस उत्तम हिस्से को किसी ना किसी तरह हासिल करना है। और उन्हें पता चल गया उस उत्तम हिस्से को हासिल करने का तरीका क्या है। कलाम में लिखा है, स्वर्ग का राज उस इंसान की तरह है जिसे एक बहुमूल्य मोती मिल गया, और जब उसे वो मिल गया तो उसने अपना सारा कुछ बेच दिया। क्या करना जी हम लोगों ने बोला, जब उत्तम हिस्सा चुनने की बारी आए तो फिर ये नहीं देखना कि मेरा क्या कुछ मेरे पास है। लिखा कि उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस बहुमूल्य मोती को ले लिया। आज हमारे सामने वो बहुमूल्य मोती यीशु मसीह है। और कलाम में लिखा, जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, सब वस्तुओं का इनकार करे और अपनी स्लीप उठाकर मेरे पीछे पीछे बोले, वही मेरा शागिर्द है। हालेलुया। सो हिस्सा तो चुनते वक्त ध्यान रखना है, खुदावन खुदा ने शागिर्दी का रुतबा जो हमको दिया है हमने उसे साबित करना है। क्या करना जी? हमने जो उत्तम हिस्सा उसने हमको दिया है, हमने उस हिस्से को इस जीवन में साबित करना है एक अच्छे शागिर्द की तरह, कि मैं जो तू कहता है वैसा ही करता हूँ। इस बच्चे के सामने जब इस बेटे के सामने बात आती है, यीशु बताता है, तो उसने कहा कि बाप जो संपत्ति में से मेरा बनता है वो मुझको दे दे। बाप ने उसको जो उसका बनता था दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, अब बाप से दूर हो गया है। यदि तो हम चाहते हैं कि खुदावन खुदा हमको संपत्ति दे, तो एक बात ध्यान रखना, जो लोग दुनिया की चीजें मांगते हैं उन्हें मिल जाती हैं, लेकिन खुदा से संबंध टूट जाता है, खुदा से रिश्ता बिगड़ जाता है, खुदा से दूरी बढ़ जाती है। फिर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि जब हमने अपना हिस्सा ही मांग लिया है तो फिर आंखें कैसे मिलाएंगे। इसकी जो सबसे बड़ी बात हम लोग देखते हैं कि इसने अपना हिस्सा लिया और बाप के पास नहीं रहा, लिखा दूर देश चला गया। अब बाप का सामना भी करने योग्य नहीं है, बाप के साथ आंख मिलाकर बात करने के योग्य नहीं है, बाप के घर में रहने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि अपना हिस्सा मांग लिया है। इसकी यही सबसे बड़ी गलती थी, इसको अपना हिस्सा बाप चुनना चाहिए था। इसने बाप को नहीं चुना, बाप की संपत्ति को चुना, बाप की दौलत को चुना, बाप को नहीं चुना। हमारे सामने भी खुदा खुदा ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आने देता है। खुदा देखता नहीं, बल्कि हमने सिद्ध करना है कि खुदा खुदा ने जो जिम्मेवारी मुझको दी है मैंने उसमें वफादारी दिखानी है। लेकिन जब वफादारी दिखाने की बात आती है तो बहुत सारी जिंदगियां फेल हो जाती हैं, वहां पर ये गलत चुनाव कर लेते हैं। आज भी दुनिया बहुत सारी है जो गलत चुनाव ही करती है। इसकी 15:5 पढ़ लेंगे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। हालेलुया। बाप तो ढूंढ रहा है, मालिक ढूंढ रहा है, पिता खोई हुई बेटों को ढूंढ रहा है, जब मिल जाती है तो क्या करता है, वो उसको कंधे पर उठा लेता है। हालेलुया। तो बाप की फीलिंग को देखेंगे हम लोग और फिर अपनी फीलिंग को देखेंगे। बाप तो ढूंढता है, लिखा है मैं खोई हुई बेटों को ढूंढने और बचाने और उन्हें जीवन देने आया हूँ। सो जब खुदावन खुदा की ये ख्वाहिश है हमारे लिए, तो हमको भी खुदावन खुदा के साथ उसी ढंग से चलना पड़ेंगे। भजन संहिता उसका 40 उसकी 2 उससे पहले पढ़ेंगे जॉन 13:6-9 का। जल्दी जल्दी संपत्ति ले गया, दूर देश चला गया, और अब हिस्सा कौन सा है, बाप के घर में शानो शौकत से आलीशान सोफों पर बैठता है, आलीशान बेड पर सोता है, वहां अब वहां पर रह रहा है जहां सूअर रहते हैं, सूरों के संग रहता है, सूरों के संग खाता है, और सूर उसे वो भी खाने देते नहीं है। चुनाव गलत कर लिया, हिस्सा गलत चुन लिया, उसकी सजा मिली, फिर तौबा करनी पड़ी। बोलता है कि मैं अपने बाप के घर में क्या था, अच्छा था, मेरे बाप के तो नौकर भी इससे अच्छा जीवन जीते और मैं यहाँ ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। मैं बाप के पास जाऊँगा, उसे कहूँगा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और आसमानी बादशाह के विरुद्ध भी पाप किया, इसलिए अब तुम मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य तो नहीं, मुझे अपने नौकर में से ही एक सा। अब कौन सा हिस्सा बनाया जी, बेटा होने का हिस्सा
गवा चुका है। ये तो बाप की रहमत है कि उसने नौकर करके नहीं रखा। बाप की रहमत क्या है कि उसने नौकर करके, हालात तो ऐसे थे कि इसको नौकर करके ही रखना चाहिए था क्योंकि ये तो अपना हिस्सा लेकर निकल गया था, लेकिन बाप ने नौकर करके नहीं बल्कि गले लगाया और अंगूठी पहनाकर पुत्र का अधिकार दिया। बाप ने फिर वही किया जो बाप को करना चाहिए था, लेकिन इसने वो नहीं किया जो इसे करना चाहिए था। सो आगे पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय की 6 से लेकर 9 वर्ष तक। जब शमूएल पत्रस के पास आया तब पत्रस ने उससे कहा, हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ उसे अभी नहीं जानता परंतु उसके बाद समझेगा। पत्रस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं। हालेलुया। एक हिस्सा खुदावन खुदा ने खुद ही हमको दिया है। हालेलुया। इतने गंदे हैं हम कि जब वो धोना भी चाहता है तो मना कर देते हैं। कैसी हालात है जी? बात तो ये है कि यदि हमको पता है कि हम गंदे हैं तो हमें कहना चाहिए कि हमको धो, लेकिन हालात ऐसे वो खुद धोना चाहता है लेकिन हम उसे धोने देते नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि यदि तू मेरे संग रहना चाहता है, मेरे पास रहना चाहता है, मेरे साथ रिश्ता बना के रखना चाहता है तो एक बात सुन ले, यदि तू मेरे साथ हिस्सेदार बना रहना चाहता है तो एक बात ध्यान रखना, यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो तेरा मेरे संग कोई भी हिस्सा नहीं। हालेलुया। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। उस पवित्र खुदा ने इसको अपने नाम पवित्र करके ही अपने हिस्से में दाखिल करना है। तो यदि ये चाहता है कि उस हिस्से को पाए तो जरूरी है अपने आप को धोने के लिए उसके हवाले कर दे। यदि वो धोएगा तो इसका उसके साथ हिस्सा है, यदि धोएगा नहीं तो हिस्सा नहीं है। आज हमारे संग भी यही है, हमको अपने आप को उसके हवाले करना है और उसे कहना है, प्रभु मुझे धो क्योंकि मैं इस लायक हूं कि मुझे धोना पड़ेगा। यदि तू मुझे नहीं धोएगा मैं तेरे पास बैठने के योग्य नहीं हूं, मैं इतना गंदा हूं, मैं इतना बदबूदार हूं और मैं समझता हूं कि मुझे जरूरत है मैं अपने आप को तेरे हवाले करूं ताकि तू मुझे अच्छी तरह से धोए। और धोता कैसे है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से ही धो दिया। कैसे किया जी? बोलता अभी तेरे को समझ नहीं आ रहा, जब मैं तेरे संग करने लगा हूं, लेकिन जो मैं करने लगा हूं ना ये बातें तेरी बाद में समझ में आएंगी, अभी तो तू जो मैं करना चाहता हूं वो तू कर लेने दे, इतना ही तेरे लिए काफी है। वरना याद रख तेरा मेरे संग कोई हिस्सा नहीं है। भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 2 वर्ष पढ़ेंगे। उसने मुझे सत्य निवास के बैठे और गर्दन की गेट से उबारा। कहां से निकाला जी? सत्य निवास के बैठे। उसने मुझे पाप की दलदल से और कीच से उभारा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा हिस्सा कौन सा था बोला? कीच के, पाप की दलदल और पंजाबी जी कह रही है चिक्कड़ है ना, गंद। काले मेरा हिस्सा कितने से बोला? और ये हिस्सा मैंने खुद चुना, मुझको नहीं उसने भेजा इस हिस्से में। ये हमारे पुरख आदम साहब की मेहरबानी थी कि वो हमको यहां तक लेकर आया और हमारे पुरख ने अपने लिए ये हिस्सा खुद चुना है और उसमें मस्त भी है। पाप की मजदूरी मौत है, खुद हिस्सा चुना मौत। खुदा ने बता भी दिया लेकिन फिर भी समझ आती नहीं। पाप में मगन है, पाप में खुश है, कीच में है, लेकिन फिर भी उसमें से निकलना चाहता नहीं है और कीच में खड़ा होकर कहता नहीं मैं साफ हूं। क्यों कहता है? क्योंकि पाप ने बुद्धि को बिगाड़ दिया है, अब इसकी समझ में आता नहीं। पाप की दलदल में है और पंजाबी कह दिए गंद दे विच खड़ा है, तो उत्थे अपने आप दे उत्ते पानी पूनी पा के ते सोचता मैं किसी तरह पाक साफ हो जावा, लेकिन चिक्कड़ दे विच खड़े हो के कहिंदे पैरां उत्ते जिन्ना मर्जी पानी पा लो साफ हुंदे नहीं।
हिस्सा खुद चुना है, लेकिन जो इस पर दयावान है, जो इसे अपने हिस्से में ले जाना चाहता है, अपने साथ तख्त पर बिठाना चाहता है, अपनी बराबरी देना चाहता है, युगों से जो प्लानिंग इसके लिए कर रखी है वहां तक इसको ले जाना चाहता है, उसके लिए खुदा का दास लिखता है, उसने मुझे पाप की दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। चट्टान इसका हिस्सा नहीं थी, ये उसकी मेहरबानी है। हालेलुया। इसका हिस्सा कौन सा था? पाप की दलदल थी, गंदगी थी इसका हिस्सा, लेकिन उसकी रहमत हुई, इससे निकाल कर उसने इसे चट्टान पर खड़ा किया। सिर्फ खड़ा नहीं किया, क्या लिखता है, उसने मेरे पांव को दृढ़ भी किया। हालेलुया। तो जब वो पांव को दृढ़ करता है तो फिर हमें समझ जाना चाहिए, उसने मेरा हिस्सा गंदगी में नहीं छोड़ा, बल्कि उसने मुझको चट्टान पर खड़ा करके दृढ़ किया है मेरे पांव को, ताकि मैं अपने इस हिस्से को समझ सकूं। और कलाम में लिखा है वो चट्टान खुद ब खुद यीशु मसीह। हालेलुया। गंदगी इसका हिस्सा नहीं, पाप की दलदल इसका हिस्सा नहीं, बल्कि खुद यीशु मसीह इसका हिस्सा है। इसलिए हिस्सा बताते वक्त खुदा ने इसराइलियों से कहा था, लेवियों से, इसराइल में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हारा हिस्सा मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जिसका हिस्सा वो बन जाए, उसे फिर कभी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उस हिस्से को चुनना चाहते नहीं, लेकिन मुबारक मरियम को इसीलिए कहा गया, लिखा कि उसने उत्तम हिस्सा चुन लिया। हालेलुया। अब विचार हमको करना है, हमने कौन सा हिस्सा चुनना है। उसने तो पाप की दलदल से निकाल लिया। जब शुरू शुरू में हम लोग मसीह में आए तो हमको अपनी गंदगी के बारे में पता था। प्रार्थना में मैं अक्सर यही कहा करता था, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे पाप की दलदल से, इस गंदगी से निकाल लिया। कबूल करते हैं ना कि मैं कहा था, पाप की दलदल में था और मैंने उसे अपना हिस्सा बनाया था, ये तेरी रहमत के तूने मुझे उसमें से। लेकिन ये दुआएं थोड़ी देर चलती है, बाद में बंदा भूल जाता है कि मैं कहां से निकल कर आया था। इसलिए पतरस को फिर निकलना पड़ा कि इसकी हालत ऐसी है, नहलाई हुई सूरनी की तरह फिर ये गंदगी में ही जाना पसंद करता है और कुत्ते की तरह अपनी उल्टी को चाटना ही पसंद करता है। लेकिन खुदावन खुदा ऐसा चाहता नहीं, वो चाहता है कि हम जैसे वो यहूदा का बब्बर शेर है, हम उसकी नाई बने। हालेलुया। पढ़ते हैं एक और वर्ष, पहले इसके ऊपर विचार कर ले। मेरा हिस्सा गंदगी था, लेकिन उसने मुझे चट्टान पर, मतलब यीशु मसीह में हिस्सेदार बनाया है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 6 वर्ष भी पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी, धन्य और पवित्र है वह जो इस पुनरुत्थान का भागी यानी के हिस्सेदार है। हालेलुया। पुनरुत्थान का जो हिस्सेदार है वो क्या है? धन्य। हमारे लिए एक आशा रख छोड़ी है, जिसके बारे पौलुस ने साफ करके लिखा, यदि तो हम इसी जीवन पर, इसी जिंदगी के हिस्से पर ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो दुनिया के सबसे तरस योग्य लोगों में से हैं। तो दूसरा उसका रूप क्या है? हमारी आशा, हमारी उम्मीद सिर्फ इस जीवन पर नहीं, एक जीवन जो हमको मिलने वाला है, एक जीवन जिसको उसने हमारा हिस्सा बनाया है, एक जीवन, एक जिंदगी जिसे उसने हमारा हिस्सा ठहराया है, हमको सिर्फ इस जीवन पर आस लगाकर नहीं रहना, बल्कि उस आशा की इंतजार करनी है जिसका उसने वायदा किया है। तो उस वायदे तक हमको किसी ना किसी तरह पहुंचना है। तो कलाम में खुदा का दास लिखता है, धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, यानी कि जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने आएगा, उसमें जो लोग पहले मरे हुए हैं वो जीवित हो जाएंगे धर्म में जो मरे। फिर लिखा है हम जो जीवित होंगे वो आंख की झपकी के साथ ही और के और हो जाएंगे और यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। उसको कहा गया धन्य है वह जो उस हिस्से में शामिल है। हालेलुया। अब हमको विचार करना है, आज यदि यीशु मसीह की आमद हो तो क्या हम इस हिस्से में हो सकते हैं या नहीं। तो जब भी ये सवाल करते हैं तो हरेक का मुंह फिर नीचे हो जाता है, तो किसी को बोलते हाथ खड़ा करो तो फिर कोई करता। इसका मतलब विवेक हमको ये बताता है, हमारा कॉन्शियंस इस बात की मोहर लगाता है कि यदि आज यीशु मसीह आए तो हम यहीं के यहीं हैं। तो फिर ये हिस्सा किसने चुना?
कलाम में पहले हमने पढ़ लिया कि पाप की दलदल से तो उसने निकाला। तो यदि अब भी हम पाप की दलदल में ही हैं, तो फिर हिस्सा तो हमने फिर उसी को अपना रख जोड़ा ना, जिसको हिस्सा बनाना था उसको अभी तक हमने हिस्सा बनाया नहीं। लेकिन कलाम बताता है वो मुबारक है, धन्य है वह जो इस पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ अधिकार नहीं। हालेलुया। वो हिस्सा दूसरी मौत जो है वो हमारे पाप की मजदूरी है, उसमें हमारा पाप हमको खींच कर लेकर जाएगा, और यदि हम पाप में मगन रहेंगे तो फिर हमारा हिस्सा वही है। लेकिन कलाम क्या कहता है, धन्य है वह जो उस दूसरी मौत से बचेगा। तो अब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, जब उसने दूसरी मौत से बचाने के लिए सब प्रबंध कर दिया है, तो मैं ये फैसला लूं कि मैं उस प्रबंध का हिस्सा बन जाऊं, ताकि उन धन्य लोगों में मेरा नाम भी हो। हालेलुया। पर परमेश्वर और मसीह के जाजक होंगे, क्या होंगे जी भला? अजय तो असं कलीसिया के आम भी रुतबे नहीं, साढ़े तो उन्हें की बनाया भला जाजका। लिखा ना पुराने नेम के परमेश्वर की तो इच्छा थी कि वो सारे लोग की हो भला जाजक हो, लेकिन लोगों ने फिर उही अपने अपने हिस्से चुने ना, इस करके हिस्सों के हिसाब के ना ही फिर उन्हें बन दिता। क्या कोई गल नहीं, जो तुम आह हिस्सा चंगा लगता तो फिर ये ही रो, लेकिन वो तो मना की है भला। पर वह परमेश्वर और मसीह के जाजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक इस जमीन पर राज करेंगे। कितने देर जी? 1000 वर्ष तक। कितने जी? 1000 वर्ष। बहुत राज हुए इस दुनिया पर, बहुत बड़े बड़े राज हुए। मादी फारसियों का राज हुआ, सिकंदर महान का राज हुआ, मुगलों का राज हुआ, ब्रिटिश का साम्राज्य हुआ, बहुत बहुत राज हुए। लेकिन ये एक पक्की बात है, दुनिया में जितने भी राज स्थापित हुए उनमें से कोई भी 1000 साल तक राज नहीं कर सकता। मुगलों का भी राज 1000 वर्ष तक नहीं हो सका, पहले ही गिर गया। लिखा के हम समय सुनते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन वो भी 300-400 साल से ज्यादा राज कर सके, कर नहीं सके। ये 1000 वर्ष की जब बात आती है ना, तो इससे हमको बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं, बहुत सारी निशानियां मिलती हैं कि खुदा ने इस जमीन पर अपने लोगों के लिए ये 1000 वर्ष का राज रखा। तो क्यों रखा? आज लोग छोटा छोटा राज करने के लिए मर रहे हैं, छोटे छोटे राज को अपना हिस्सा बना रहे हैं, और इसे ही वो सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन कलाम बताता है, बेटा मैं तो तुझे ऐसा राज दूंगा जिसमें तू 1000 वर्ष तक इसी जमीन पर राज्य करेगा। हालेलुया। अब हमको ये देखना है कि ये छोटे छोटे राज को अपना हिस्सा बनाना है, या कि मसीह के संग इस जमीन पर 1000 वर्ष तक राज का वो किसी का भी कर्जदार नहीं रहेगा। जिस अगर किसी ने थोड़ा सा भी उसके लिए कुछ दुख सहा ना, हरेक को वो उसका अजर 100% देने वाला है। हालेलुया। तो हिस्सा चुनते वक्त ध्यान रखना है कि मैंने अपने मसीह के साथ 1000 वर्ष का राज्य करना है। अब वो मेरे हाथ में है, मैंने फैसला लेना है मैं उस राज में प्रवेश करूंगा कि नहीं करूंगा। हालेलुया। ये मेरी आजाद मर्जी है, मैंने फैसला लेना है, मेरे फैसले में परमेश्वर कोई भी दखल अंदाजी करेगा करेगा नहीं। सो हिस्सा चुनते वक्त ध्यान रखना, इस जमीन पर लोग मर रहे, कितनी कितनी चलाकियां, कितनी कितनी चालबाजी हो रही है, थोड़ी देर का राज करने को 5 साल को 10 साल को 20 साल, लेकिन खुदावन खुदा के साथ जो सही हिस्सा चुन लेंगे, जो मरियम की तरह हिस्सा चुन लेंगे, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, अनाउंसमेंट होगी इन्होंने उत्तम हिस्सा चुन लिया जो इनसे कभी छीना। 1000 वर्ष सिर्फ राज नहीं करना, 1000 वर्ष की बात इस जमीन पर है, उसके बारे में तो लिखा वो युगो युग कभी ना खत्म होने वाला राज्य होगा। कितना जी? जैसे परमेश्वर का ना कोई आद ना कोई अंत है, उसी तरह उस राज का भी कोई अंत नहीं होगा। तो ऐसा जीवन परमेश्वर हमारा हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन हम इसी जीवन को अपना हिस्सा समझकर इसी में अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। मेरे बाप समानी तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं, तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए छोटा सचमुच तू हर जिंदगी को बख्श के हिस्सा चुनते वक्त
वो कोई ऐसी गलती ना करें कि उस उत्तम हिस्से से वो रह जाएं, बल्कि बख्श के लोग मरियम की तरह पूरी संजीदगी के साथ तेरे कदमों में बैठकर तेरे कलाम को, तेरी वाणी को सुन सके। जो लोग दिल लगाकर सुनते हैं, तेरा कलाम बताता है, वो उत्तम हिस्से को चुन लेते हैं। सचमुच खुदावंद, ये जिंदगियां मरियम की तरह उस उत्तम हिस्से के हिस्सेदार बन जाएं। एक एक जिंदगी पर तेरा रहम चाहते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजर, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों के संग आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा का सारे आशीष सारे।